हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे कि नेटवर्क लेयर में आईपी हेडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ में क्या देखे, जो कुछ भी आईपी हेडर में इंक्लूड किया जाता है सबके बारे में डिटेल्स को देखे थे कि किसका क्या फंक्शनलिटी है। ठीक है, तो आईपी हेडर का जो भी कंप्लीट फंक्शंस होता है वो हम लोग देख चुके हैं अब तक। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि क्या क्या डिवाइस को यूज किया जाता है नेटवर्किंग में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब आप कुमनाव गेट सीएसई यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के वीडियोज देख सकते हैं और कंप्लीट गेट के सिलेबस के लिए कुमनाव गेट सीएसई मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए मोबाइल में और सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का स्टडी करिए। क्या क्या डिवाइस को हम यूज करते हैं और जो पर्टिकुलर डिवाइस को हम यूज करते हैं किस तरीके से वो नेटवर्क में काम करता है। ठीक है, दोनों चीज साथ में देखेंगे। पहला क्या, क्या क्या डिवाइस हम यूज करने वाले हैं, कौन सा डिवाइस है, क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करेगा और उसके साथ में क्या कि डिवाइस किस तरीके से काम कर रहा होगा, क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। ठीक है, और दोनों चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ आज के अगला क्लास में, दो क्लास में, आज मतलब आज एक क्लास और अगला क्लास, दो क्लास में नेटवर्क लेयर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास पहले हो चुका है नेटवर्क लेयर का। ठीक है, आज एक क्लास और लगेगा इसका। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर तीन क्लास में कंप्लीट होगा, उसके आगे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम डिवाइस के बारे में बताने वाले हैं किस तरीके से कौन सा डिवाइस फंक्शन कर रहा है नेटवर्क में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या इन नेटवर्किंग डिवाइसेज में बहुत सारे डिवाइस का नाम पहले हम लोग सुन रखे हैं लेकिन किस तरीके से फंक्शन करता है ये नहीं पता है। ठीक है, स्टार्टिंग में याद करो, स्टार्टिंग में एक डिवाइस क्या बताए थे, हब एक बताए थे, एक डिवाइस बताए थे हब, जब आईपी एड्रेसिंग बता रहे थे उस टाइम ही बताए थे। क्या हम बोले थे, हब में क्या होता है, जब कोई पैकेट आता है हब के पास में तो कहां सेंड करना है, जब टोपोलॉजी हमें स्टार्ट किए थे उस समय हम बताए हैं। ठीक है, टोपोलॉजी के टाइम में हम बताए हैं क्या कि जब कोई भी पैकेट हब के पास में आता है तो हब ब्लाइंडली क्या करता है, ये क्या है, पैसिव डिवाइस है, ये क्या है, पैसिव डिवाइस है, इसके पास में ब्रेन नहीं है, मतलब क्या है, ब्रेन नहीं रहने का मतलब क्या है, इसके पास में स्टोरेज नहीं है, मेमोरी नहीं है जहां पर कुछ भी डेटा ये स्टोर कर सके। ठीक है, तो पहले क्या किया, इसको याद नहीं रहेगा, इसलिए करेगा क्या कि मान लो एक हब है, इस तरीके से कनेक्टेड है, इस तरीके से स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, यहां से अगर पैकेट आया तो हब क्या करेगा, इसको छोड़कर जिस साइड से आया है इस रास्ते को छोड़कर बाकी सभी रास्ते में सेंड कर देगा, बाकी सब रास्ता में सेंड करेगा, चाहे जितना भी रास्ता रहे सब में सेंड कर देगा। अब जो भी यहां पर डिवाइस कनेक्टेड है ये सब क्या करेगा, ये सब अपना मैक एड्रेस को मतलब इसे मैच करके, जो डेटा आ रहा है पैकेट उसे मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस जो भी रहे उसको मैच करके यहां से डेटा को रिसीव कर लिया, जिसको चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो सब डिस्कार्ड कर दिया डेटा को। ठीक है, तो इससे क्या है, हब क्या है, पैसिव डिवाइस है। लेकिन अभी हम लोग बहुत सारा ऐसा डिवाइस पढ़ने वाले हैं जो कि एक्टिव डिवाइस होता है, उसको पता है कि मैसेज कहां जाना चाहिए, उसको पहले से पता है कि मैसेज कहां जाना चाहिए, उस पर्टिकुलर रास्ते में ही वो भेजेगा। ठीक है, एक और डिवाइस क्या था पैसिव डिवाइस में, एक और डिवाइस हम लोग देखे थे रिपीटर को देखे थे। रिपीटर क्या था भाई, जब सिग्नल ट्रेवल करता है चैनल में, जब सिग्नल मेरा ट्रेवल कर रहा होता है, सिग्नल होता है क्या, मैसेज कैसे ट्रांसफर होगा, मैसेज ट्रांसफर होता है एज ए फॉर्म ऑफ सिग्नल। सिग्नल क्या है, 01 का कोड ही तो है, 01 का कोड है, 0 मतलब क्या है, मान लेते हैं कि 0 मतलब अगर वोल्टेज 0 है, 01 मतलब कुछ पॉजिटिव वोल्टेज, प्लस माइनस प्लस प्लस वन जीरो प्लस वन जीरो प्लस वन जीरो या फिर प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, इन कोडिंग में हम बताए थे क्या भाई, प्लस 0.85 होगा माइनस 0.85 होगा, तो इस तरीके से ही डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा है जो ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब थोड़ा दूर तक डेटा ट्रेवल होता है, जो सिग्नल है, सिग्नल जब ट्रेवल होता है, डेटा ही मेरा सिग्नल के फॉर्म में जब ट्रेवल हो रहा होता है चैनल में, होता क्या है, थोड़ा दूर जाने के बाद में इस सिग्नल का स्ट्रेंथ कमते जाता है। जैसे किसी भी चीज का स्ट्रेंथ, देखो सिंपल एक बात हम बता रहे हैं क्या कि मान लो पानी में एक पत्थर को डालो, क्या होता है, सर्कुलर वेव ऐसा फॉर्म होता है, सर्कुलर वेव फॉर्म होता है। देखना, स्टार्टिंग में जहां पत्थर डाले हो वहां पर बहुत बड़ा सा रहेगा, वो मूव करते जा रहा, मूव करते करते हुआ क्या, आगे जाकर वो बहुत छोटा होते 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 वैनिश कर जाएगा।
तो रिपीटर का यही काम होता है कि जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है चैनल में, ये वैनिश ना करे। वैनिश करने से पहले ही एक रिपीटर को हम लगा देंगे। रिपीटर क्या है, टू पोर्ट डिवाइस है कि मान लो इस तरीके से चैनल है तो यहाँ हम एक रिपीटर लगा दिए, यहाँ से सिग्नल आया, सिग्नल का स्ट्रेंथ कम है। ये रिपीटर क्या किया है, ये रिपीटर क्या किया, इसका फिर से स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। यहाँ आया था क्या, इस तरीके से आया था, कम होते 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 कम हो गया था, यहाँ क्या किया फिर से बढ़ा दिया कि और दूर तक ट्रेवल करे। फिर से अगर कम रहा है फिर से एक रिपीटर लगा देंगे, फिर से स्ट्रेंथ इसका बढ़ाकर इस तरीके से एक तरीके के बोलो क्या ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर होता है उस तरीके से ही काम कर रहा है। लेकिन है क्या, यह पैसिव डिवाइस है, इसके पास में नॉलेज नहीं है, बस स्ट्रेंथ बढ़ाना है, किसका सिग्नल है कहाँ जाना है कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, बस एक साइड से सिग्नल को रिसीव कर रहा है, दूसरे साइड में उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाकर फॉरवर्ड कर रहा है, बस यही काम इसका है। ठीक है, तो ये क्या है, पैसिव डिवाइस है। ठीक है, एक्टिव डिवाइस भी कुछ कुछ होता है जिसके पास में क्या है, स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए मेमोरी है। ठीक है, उसके पास में क्या है, एक तरह के ब्रेन हो गया एक तरीके का। ठीक है, स्टोर कर सकता है कुछ नॉलेज को। ठीक है, तो एक्टिव डिवाइस में क्या क्या है, ब्रिज, राउटर और स्विचेस, ये तीनों क्या है, ये सब के सब एक्टिव डिवाइस है। कैसे काम करेगा वो सब अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, ये नाम जान लो, कैसे काम करेगा एक एक करके हम सबका बताएंगे। ठीक है, तो ब्रिज क्या होता है, ब्रिज है जो टू लेयर स्विच है, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर दोनों में काम करेगा। ठीक है, दोनों लेयर के लिए ये स्विच है, कौन सा, ब्रिज। सेम उसी तरीके से राउटर जो है, राउटर है जो थ्री लेयर स्विच है, वाइड एरिया नेटवर्क में काम करेगा ये। ठीक है, राउटर क्या है, थ्री लेयर स्विच है, जबकि स्विच है जो ऑल लेयर स्विच है, सभी लेयर्स में काम करेगा। कौन सा लेयर, जो OSI मॉडल का लेयर है या फिर TCP/IP में लेयर होगा। ठीक है, TCP/IP में क्या है, पांच लेयर होगा, OSI में सात लेयर है, बस यही डिफरेंस तो है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों का तीनों एक्टिव डिवाइस है, ये तीनों क्या है, एक्टिव डिवाइस है। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या, ब्रिज को देखते हैं, ब्रिज किस तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, आराम से देखो, एकदम समझने में आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, समझ लोगे एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा, अभी ये स्किप कर जाओगे नहीं बनेगा। फिर होगा क्या, कोई नोट्स देख रहे हो, कोई टेक्स्ट बुक देख रहे हो, कहीं वीडियोज ढूंढ रहे हो, मतलब कि दूसरा दूसरा रिसोर्स ढूंढते रहोगे। ठीक है, रिसोर्स ढूंढते रहोगे। ठीक है, इससे बेटर क्या है, जहां एक बार देख रहे हो वहां अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो एकदम अच्छे से समझो, एकदम आराम से हम समझा रहे हैं, आज थ्योरेटिकल चीज है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल छोटा छोटा आज है, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा आज है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या है, न्यूमेरिकल ज्यादा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल जो भी एक पैकेज रहता है, जो कि हम लोग के सिलेबस में आता है, वो सब चीजें हम बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ब्रिज देखो है क्या, ब्रिज है लैंड डिवाइस, लैंड का डिवाइस है, मतलब क्या है, एक लैंड को दूसरे लैंड से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, एक लैन को दूसरे लैन से कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज का यूज करते हैं। जैसे क्या, जैसे क्या, ये मान लो ब्रिज है और ये एक लैन है, एक ए लैन है। ठीक है, अब यहां से O1 है जो एक सिस्टम है, O1 एक सिस्टम है, O1 है जो सेंड करना चाहता है डेटा किसके पास में, सिक्स के पास में। ठीक है, अब डेटा आया, डेटा देखो इस तरीके से आया ब्रिज के पास में। ठीक, अभी ब्रिज के पास नॉलेज नहीं है, अभी ये स्टार्ट हुआ है कम्युनिकेशन, यहाँ पर सिग्नल ट्रेवल करना, डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ है, अभी ब्रिज के पास में कोई नॉलेज नहीं है कि ये किस तरीके से सिक्स कहाँ पर कनेक्टेड है, नॉलेज नहीं है। लेकिन होगा क्या, जब सिग्नल आया ब्रिज है कि अच्छा इस साइड से आया ही है, मतलब कि आगे जाना है, आगे गया देख रहा है कि ऐसे यहाँ एक्सेप्ट नहीं हुआ है, यहाँ एक्सेप्ट नहीं हुआ, यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया, अब का क्या करेगा ब्रिज, ब्रिज इसको लिख लेगा, वन से सिक्स जाने का रास्ता कैसा है। फिर मान लो कोई और सिग्नल आया कि फोर से टू पर जाना है, तो यहां से डेटा आया इस तरीके से आया ऐसा गया, तो ब्रिज लिखेगा क्या कि अच्छा फोर से टू जाने का रास्ता ऐसा है। इस तरीके से ब्रिज करता क्या है, काम करते करते इसका लर्नेबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी है, ये सीख सकता है, ये करता क्या है, सीख सकता है। ठीक है, जो काम कर रहा है नोटिस करते रहेगा कि पैकेट कहां से कहां जा रहा है, कहां से सेंड हुआ है, कहां पर एक्सेप्ट हो रहा है, इसको नोटिस करके अपना जो इसके पास में एक टेबल है, इस टेबल में लिख लेगा।
ताकि नेक्स्ट टाइम जब फिर से सेम टाइप का पैकेट आए तो ब्रिज को सोचना नहीं पड़े कहाँ फॉरवर्ड करना है, डायरेक्टली जान रहा है क्या चाहिए, यहां से यहां तक जाना है, फॉरवर्ड कर दे डायरेक्टली। ठीक है, बस यही चीज है इसमें कि इसके पास में टेबल है और ये काम करते करते सीखेगा। कोई भी नया चीज आया उसको टेबल में नोट डाउन कर लिया, फिर से कुछ नया आया फिर से नोट डाउन कर लिया, सब लिखते जा रहा है ये चीज। ठीक है, लर्नेबिलिटी है इसका। ठीक है, तो यही है क्या, देखो यहां पर इसके बारे में क्या लिखा है, ब्रिज वर्क बिटवीन सिमिलर लैन। ठीक है, सिमिलर नेटवर्क जो होगा उसके बीच में काम करेगा। जैसे क्या, सिमिलर लैन का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, कि मान लो इस तरीके का अगर लैन रहे कहीं पर, आईपी एड्रेस है जो क्लास ए का है कहीं पर क्लास सी का है, कहीं पर आईपी एड्रेस है जो एक लैन नेटवर्क में क्लास ए का है कहीं पर क्लास सी का है, तो क्लास ए और क्लास सी के बीच का कम्युनिकेशन करेगा क्या? क्लास ए और क्लास सी के बीच का कम्युनिकेशन नहीं करेगा, सिमिलर नेटवर्क के लिए काम करेगा, सिमिलर लैन। जैसे क्या, क्लास ए है तो दोनों ही क्लास ए रहे, या दोनों ही क्लास बी रहे, या दोनों ही क्लास सी रहे, इस टाइप के नेटवर्क के लिए हम लोग ब्रिज का यूज कर सकते हैं। अगर चेंज हो गया, क्लास ए से सी जाना है तो ब्रिज का यूज हम नहीं कर सकते हैं, फिर कौन आएगा? राउटर काम करेगा वहां पर, राउटर काम करेगा। क्लास ए से क्लास सी जाना है, कोई दिक्कत नहीं, राउटर काम कर लेगा वहां पर। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यहाँ क्या है, सेम सिमिलर लैन नेटवर्क होना चाहिए, तब ब्रिज है जो काम सही से कर पाएगा। ठीक है, एक और चीज क्या है, इट इज यूज फॉर कनेक्टिंग सिमिलर लैन नेटवर्क। अच्छा, सेम का ही रिपीट किया हुआ है, यूज फॉर कनेक्टिंग सिमिलर नेटवर्क। इनिशियली द ब्रिज टेबल ऑफ ए ब्रिज इज एम्प्टी, इनिशियली है जो इसका टेबल जो रहता है यहाँ पर, इनिशियली एम्प्टी रहता है, इनिशियली एम्प्टी होगा। हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियली इसके पास में नॉलेज नहीं है, लेकिन करता क्या है, इसके पास में टेबल है, मेमोरी है, जब ये जा रहा है डेटा यहां से जा रहा है, जितना भी ट्रांसमिशन इसके थ्रू हो रहा है, जितना भी डेटा प्रोपगेट किया है इसके थ्रू में, सबको ये नोट डाउन करके एक अपना टेबल को फुल कर लेगा, तब इसके पास में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा नेटवर्क का। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ ब्रिज क्या है, ब्लॉकिंग लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। मतलब क्या, जैसे ही पैकेट आया उसको ब्लॉक किया, रोका, उसको चेक किया कहां जाना है, उसके बारे में देखा, देखा कि अच्छा यहां जाना है, इस रास्ते जा रहा है, उसको नोट डाउन कर लिया डायरी में, अपना डायरी क्या, टेबल जो इसका है, अपना टेबल में नोट कर लिया, उसके बाद में क्या किया, उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया, उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया। मतलब क्या, इनिशियली तो नॉलेज नहीं है इसके पास, लेकिन ये तीन काम करके, ब्लॉकिंग लर्निंग और फॉरवर्डिंग करके, ये अपने टेबल को कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, ये नॉलेजेबल हो गया, पूरा नॉलेज है इसके पास में नेटवर्क का। ठीक है, बस यही काम, इसी प्रिंसिपल पर है जो काम कर रहा है हम लोग का ब्रिज। ठीक है, वंस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द नेटवर्क इज नोन, देन ब्रिज इज ट्रीटेड एज कन्वर्स एंड अस्टेबल। उसके बाद में कन्वर्स या अस्टेबल हम ब्रिज को बोलते हैं। कब अस्टेबल, कब हो गया है? जब इसके पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया। कैसे इंफॉर्मेशन हो गया? इस तरीके से ही ब्लॉक किया, लर्न किया, फॉरवर्ड किया, यही काम में कर रहा था। इनिशियली नॉलेज नहीं था, इनिशियली इनपुट इसके पास नहीं था टेबल में कुछ भी, लेकिन बार बार काम करते करते नेटवर्क में सब डेटा को क्या किया, टेबल में स्टोर कर लिया, अब नॉलेज हो गया, तो अस्टेबल ब्रिज बन गया हो। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि सेम टाइप का नेटवर्क है, सेम टाइप का नेटवर्क है, एक यहां नेटवर्क है, एक यहां पर नेटवर्क है, सेम टाइप के नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ब्रिज का ही यूज करेंगे। लेकिन हम लोग करते हैं क्या है, मल्टीपल ब्रिज का यूज करते हैं, मल्टीपल ब्रिज का यूज करते हैं। क्यों? इसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। जैसे क्या, घर में क्या इन्वर्टर रखते हैं, क्यों रखते हैं, अगर लाइट चला जाए बाई चांस किसी पर्टिकुलर टाइम में तो इमीडिएटली लाइट आ जाए। बस यही काम करता है कि मान लो एक ब्रिज, अगर एक ब्रिज का जो रास्ता है पाथ ब्रोकन हो गया किसी भी तरीके से, कुछ भी प्रॉब्लम आया हो, चाहे ब्रिज के पॉट में प्रॉब्लम आया हो या फिर इस केबल में प्रॉब्लम आया हो, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आया हो, लेकिन मान लो एक जो लिंक है ये ब्रोकन हो गया, तो क्या करेगा, दूसरे लिंक से सेम डेटा को डाइवर्ट किया जा सके। ठीक है, एक क्या सपोर्ट कर रहा है, फॉल्ट टॉलरेंस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मल्टीपल ब्रिज को हम लोग लैन नेटवर्क के बीच में यूज करते हैं, किसके लिए, फॉल्ट टॉलरेंस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इफ फेल्स देन अदर बी वर्क। मतलब क्या कि यहां भी एक ब्रिज है, यहां भी है, अगर ये फेल भी हो गया तब भी दूसरा है जो काम कर देगा। मतलब क्या है, एक तरीके का क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन हो जाएगा, रुकेगा नहीं जो। ठीक है, अब होता क्या है
ये जो ब्रिज है किस तरीके से फॉरवर्ड होना है, इसके लिए एक होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एक होता है क्या? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करेगा भाई? सिंपल, ड्रॉ करना है क्या? स्पैनिंग ट्री को ड्रॉ करना है। अगर डेटा स्ट्रक्चर पहले से पढ़ा हुआ सब्जेक्ट, तब तुम लोग खुद जान रहे हो क्या कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मतलब मिनिमम कॉस्ट ट्री। जिसको नहीं भी नॉलेज है, नहीं पढ़े डेटा स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं, आसान चीज है, हम यहां बता लेंगे, ठीक है। होता स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट ट्री, जिसका कॉस्ट मिनिमम रहे। कॉस्ट कहां से आएगा भाई? जितना भी एज है सबका एक अपना अपना कॉस्ट होता है, अपना एज वेट होता है, एज का वेट होता है, जिसको एज वेट बोलते हैं, ठीक है। बस वही काम यहाँ भी करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वहां से, ठीक है। अरे अलग सब्जेक्ट है, थोड़ा डिफरेंस रहेगा ही, ठीक है। या क्या है? बिटवीन द सिमिलर लैंड नेटवर्क वी कनेक्ट मोर देन वन ब्रिज टू सपोर्ट फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिमिलर नेटवर्क के बीच में मल्टीपल ब्रिज को कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब बोलो स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड करेंगे भाई? स्पैनिंग ट्री फाइंड करना बहुत ही आसान है। कैसे? देखो आसान है। एक मान लो यहां पर एक ब्रिज है, ठीक है। यहां पर क्या है? ब्रिज नहीं, एक तरीके से स्पैनिंग ट्री फाउंड कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ ब्रिज है, मल्टीपल ब्रिज है, ठीक है। एक यहाँ देखो ब्रिज है, एक यहाँ ब्रिज है, एक यहाँ ब्रिज है, तीन ब्रिज है, ठीक है। अब तीन ब्रिज है, इसका अपना कुछ एड्रेस भी तो होगा ब्रिज का, कुछ एड्रेस होगा। हम एज्यूम करते हैं कि इसका ये मैक एड्रेस है, ठीक है। ये जो 1500 है, ये इसका मैक एड्रेस है, यहाँ पर ये इसका मैक एड्रेस है, और यहाँ पर ये इसका मैक एड्रेस है। तीनों का अपना अपना एड्रेस है, ठीक है। इस तरीके से कनेक्टेड है केवल, इस तरीके से केवल कनेक्टेड है, ठीक है। कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है इसमें? क्या होगा स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए? करना क्या है? जिसका सबसे मिनिमम मैक एड्रेस रहे, मिनिमम वैल्यू का जो मैक एड्रेस होगा, उसको बोलेंगे रूट ब्रिज बोलेंगे। मिनिमम कौन सा है? देखो यहाँ पर, यहाँ 1500 है, यहाँ 1600 है, यहाँ 1700 है। मिनिमम कौन सा है? मिनिमम है 1500। मतलब क्या? ये जो ब्रिज हो गया, ये क्या हो गया? रूट ब्रिज हो गया। और बाकी जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या बन जाएगा? नॉन रूट ब्रिज होगा, नॉन रूट होगा। एक रूट है, बाकी सब नॉन रूट है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अब देखो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या होगा, या अब उसके बाद देखेंगे कि मान लो ये एक ब्रिज है, ठीक है। अब रूट से कनेक्शन कैसे बनेगा इसका? रूट से कैसा कनेक्शन बनेगा भाई? तो एक रास्ता है कि इस तरीके से डेटा सेंड करें, या फिर एक रास्ता है कि यहां से यहां डेटा जाए, यहां से फिर यहां डेटा जाए, ठीक है। दोनों रास्ता है, तो ज्यादा कॉन्वीनियंट कौन है? तो सिंपल देखेंगे क्या, देखो ये डायरेक्ट है, एक ही लेंथ है पाथ का। यहाँ क्या है पाथ का लेंथ? पहले यहां जाना है, फिर यहां जाना है, दो लेंथ का पाथ है। तो दो लेंथ फॉलो कर गया, वन लेंथ को फॉलो करेगा। कोई भी क्या चाहता है कि जल्दी काम हो, जल्दी काम होने के लिए क्या है, ओवन लेंथ वाले को प्रीफर करेगा, ठीक है। कंफर्म है चीज? तो ओवन लेंथ को जो प्रीफर करेगा, इस पाथ को जो प्रीफर कर रहा है, तब जो नॉन रूट ब्रिज से पाथ निकलेगा रूट ब्रिज को जाने के लिए, इस रूट ब्रिज को जाने के लिए जो नॉन रूट ब्रिज से पाथ निकलता है, इस यहां जो पॉर्ट है, पाथ निकल रहा मतलब पॉट से कनेक्टेड है, यहां जो पॉट है इसको हम लोग बोलते हैं रूट पॉट। मतलब क्या? नॉन रूट से रूट जाने के लिए जो पाथ है, और जो पॉट कनेक्टेड है उस पाथ में नॉन रूट के इंड के पास, नॉन रूट जो ब्रिज है वहां पर जो पॉट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे रूट पॉट। और जो रूट साइड में उस पाथ को कनेक्ट कर रहा है, एक पाथ है मतलब दो इंड होगा, एक इंड नॉन रूट ब्रिज पर, तो नॉन रूट ब्रिज वाला जो इंड है, जो पॉट है, उसको क्या बोले हम लोग? रूट पॉट बोल दिए। तो रूट इंड वाला जो पॉट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिजिग्नेटेड पॉट, ठीक है। उसका नाम क्या है? डिजिग्नेटेड पॉट, ठीक है। ये हो गया डीपी, मतलब क्या हो गया? ये जो पॉट है क्या हो गया? डिजिग्नेटेड पॉट हो गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है। सेम इसी तरीके से ये जो ब्रिज है इसके पास एक रास्ता है कि ऐसे डेटा चाहे, या फिर एक रास्ता है पहले यहां जाए फिर यहां जाए। कौन रास्ता अप्लाई करना है? जो शॉर्टेस्ट है, छोटा है, वही चूज करेगा, ठीक है। छोटा रास्ता जो है इसको चूज कर लिया। अब देखो इस नॉन रूट ब्रिज के पास में जो पॉट है, इस पाथ को कनेक्ट करने के लिए जो रूट से कनेक्ट हो रहा है रूट ब्रिज से, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रूट पॉट। और इसी पाथ का जो दूसरा एंड है रूट वाले ब्रिज के साइड में, उसको क्या बोलेंगे? डिजिग्नेटेड पॉट। सिंपल है,
ठीक है, अब इसको नाम सबको याद रखना, नाम भूलना नहीं है, नाम को हमेशा याद रखना है क्योंकि तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे आते हैं क्या, एक और चीज देखो, एक कनेक्शन तो हो गया, अब बताओ ये रूट पोर्ट है, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, अब बोलो इस पाथ का कोई रिक्वायरमेंट है क्या, इस पाथ रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ता है क्या, रहेगा तब भी ठीक है, नहीं रहेगा फिर भी कम्युनिकेशन तो होना ही है। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो पाथ है इस पाथ को रिमूव कर देंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोग स्पैनिंग ट्री फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट ट्री हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पाथ को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो बोलो रिमूव कैसे करेंगे, कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो कट करना होगा, कहाँ से कट करना है, सिंपल देखो, अगर एक पाथ को रिमूव करना चाहते हो तो एक पॉट यहाँ पर है, एक पॉट यहाँ पर है, दो जगह पॉट से कनेक्टेड होगा ये, ठीक है, दो जगह पॉट से कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो कहाँ से कट करना है ये डिसीजन कैसे होगा भाई, तो मैक एड्रेस को देखना है, मैक एड्रेस को देखना है, कहाँ भाई, जिसका मैक एड्रेस ज्यादा रहे, जिसका मैक एड्रेस ज्यादा रहे, जैसे क्या यहाँ पर 1614 है, यहाँ पर 1710 है, मैक एड्रेस ज्यादा किसका है, मैक एड्रेस ज्यादा किसका है, ज्यादा मैक एड्रेस यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ से कट हुआ है लिंक, लिंक है जो यहाँ से कट हुआ, क्या है, हाईएस्ट मैक फॉर ब्लॉक्ड पॉट इफ पाथ इक्वल, अगर इक्वल पाथ है तो जो हाईएस्ट वाला जो पॉट के पास में हाईएस्ट जो नंबर है मैक एड्रेस वो वाला पॉट को हटाया जाएगा। बोलो पाथ इक्वल हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं क्या, देखो अगर इस लिंक को हम यूज करते कैसे जाते, यहां से रूट के पास 1 2, तो 2 लेंथ का पाथ हो गया ये, टू रूट जाने के लिए, रूट जाने के लिए ये 2 लेंथ का पाथ हो गया, देखो यहां पर कैसे जा रहे थे 1 2, फिर सेम उल्टा साइड भी जाओ 1 2, 2 लेंथ का, तो इस साइड से भी 2 लेंथ का है, इस साइड से भी 2 लेंथ का है, ठीक है, जिसको कि सिलेक्ट नहीं करना है हम लोग को, क्यों, हम लोग 1 लेंथ वाले को सिलेक्ट कर लिए हैं पहले ही, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, इसको हम लोग हटा दिए, ठीक है, इसको बोलते हैं, ब्लॉक्ड पॉट बोलेंगे इसको, जहां हटा दिया गया है लिंक उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक्ड पॉट, ब्लॉक कर दिया है उस पॉट को, ठीक है, ये समझ में आ गया, किस तरीके से हम लोग स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो, स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के बाद कैसा दिखेगा, एक ब्रिज यहाँ है, एक ब्रिज यहाँ, एक ब्रिज यहाँ, यहाँ कौन सा ब्रिज 1500 वाला, इधर कौन सा 1710 वाला, यहाँ कौन सा 1614 वाला, ठीक है, यही स्ट्रक्चर होगा, ये क्या बन गया, ये मेरा स्पैनिंग ट्री बन गया। अब यहाँ पर जो लिंक था, यहाँ जो लिंक था, ये लिंक क्या हो गया, ये लिंक को हटा दिए हैं हम लोग, अब यही है स्पैनिंग ट्री, ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। अब देखो इसके बारे में लिखा है क्या कि रूट ब्रिज कौन है भाई, हैविंग लिस्ट मैक एड्रेस, जिसका सबसे मिनिमम मैक एड्रेस रहे, द ब्रिज विच इज हैविंग लिस्ट मैक एड्रेस विल बिकम रूट ब्रिज, ठीक है, यही काम, यही चीज हम कर रहे थे अभी। फिर रूट पॉड कौन होगा, लिस्ट कॉस्ट, अच्छा लिस्ट कॉस्ट होगा यहाँ, लिस्ट कॉस्ट पाथ, इट इज ए पॉट विच इज हैविंग द लिस्ट कॉस्ट, कॉस्ट का कास्ट हो गया है, चलो कर लेते कोई दिक्कत नहीं, लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम नॉन रूट ब्रिज टू रूट ब्रिज, मतलब नॉन रूट से रूट जाने के लिए जो लीस्ट कॉस्ट पाथ है, तो नॉन रूट साइड वाला जो पॉट रहेगा वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा रूट पॉट, यही चीज हम बता रहे थे, और जो रूट साइड वाला जो पॉट है क्या बनेगा, डिजिग्नेटेड पॉट बन जाएगा, ठीक है, देखो डिजिग्नेटेड पॉट क्या हो गया, ए पॉट विच इज हैविंग द लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू नॉन रूट, रूट से नॉन रूट में रूट साइड वाला का बात कर रहा है, ठीक है, इसको भी कॉस्ट कर लो कॉस्ट, ठीक है, इसके बाद क्या है, सिंपल देखो रूट पॉट का यूज कैसे हो रहा है, रूट पॉट में हो क्या रहा है, ये क्या है, डेटा को सेंड करने के लिए, क्यों, क्योंकि रूट पॉट है कहां पर, नॉन रूट ब्रिज के पास में है, उससे क्या होगा, डेटा सेंड होगा रूट के पास में, ठीक है, रूट ब्रिज के पास में डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ क्या है, डिजिग्नेटेड पॉट कहाँ पर है, रूट इंड पर है, रूट इंड पर है, वहां से क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन है जो सेंड किया जाएगा, और ओवरऑल क्या है कि दोनों पॉट से दोनों ही पास करेगा, डेटा कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही पॉट से पास करेगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो
ये डेजिग्नेटेड पॉट से क्या है, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा, क्यों? डेजिग्नेटेड पॉट है जो रूट ब्रिज के एंड पर है, रूट पॉट है जो नॉन रूट ब्रिज के एंड पर है, इसलिए वहां से स्टार्ट कौन होगा, डेटा स्टार्ट होना है। ठीक है, थोड़ा भी डाउट लग रहा है थोड़ा सा रिप्ले करो, समझ में आ गया, एकदम आसान तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ब्लॉक्ड पॉट्स है, ये क्या है, इट्स पॉट हैविंग द हाईएस्ट कॉस्ट पाथ, इसका क्या है, सबसे हाईएस्ट जो कॉस्ट पाथ रहेगा वही होगा ब्लॉक्ड, जिसको कि हम लोग ब्लॉक करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। सेम जो यहां पर जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे क्या मान लो इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्या कर लिए, ठीक है, पांच सौ एस बी कर लिए, एक सेकंड, आठ सौ एस सी कर लिया, और यहां भी बनाते हैं 612 एस ई कर लिए, सात सौ ए बी सी, अच्छा डी बचा हुआ है ना, चलो डी कर लिए, छ सौ दस इसको कर लेते हैं, एस एफ कर लेते हैं। ठीक है, चलो एस एफ हो गया। मान लो कनेक्शन किस तरीके से है, इससे ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, 100% कंफर्मेशन दे रहे हैं, इससे ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम देखते हैं, ठीक है, वाइट वाले से हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर, सिंपल देखो, सबसे मिनिमम मैक एड्रेस किसका है, देखो 600, 500, 800, 612, 700, 610, सबसे कम कौन है, 500 वाला है। ठीक है, तो 500 क्या बन गया, ये 500 है जो, क्या बन गया, ये बन गया रूट बन गया। ठीक है, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये रूट जब बन गया है, 600 वाले एंड पर देखो, एक रास्ता यहां से है, एक रास्ता यहां से है, कौन सा रास्ता चूज करेगा, इसी रास्ता को चूज करेगा। मतलब क्या है कि इस रास्ते में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बन गया, रूट पॉट बन गया, ये बन गया डिजिग्नेटेड पॉट, ए वाला है जो, यहां बन गया रूट पॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और चीज, 800 वाला कैसे जाएगा, देखो 800 के पास में एक रास्ता है कि ऐसे चला जाए, एक रास्ता है कि ऐसे जाकर ऐसे घूम कर जाए, कौन रास्ता चूज करेगा, यही रास्ता चूज करेगा ये। ठीक है, तो 800 के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, ए क्या बन गया, ए बन गया रूट पॉट, ए बन गया डिजिग्नेटेड पॉट। ठीक है, चलो अब एक और चीज देखो, क्या 612 में हम आते हैं, इसमें आते हैं। ठीक है, ए कैसे जा सकता है, इसका डेटा देखो, एक दो में जा सकता है, दो स्टेप में, और क्या, एक दो तीन, ये नहीं चूज करेगा, एक दो तीन ये भी नहीं करेगा, मतलब क्या है, इसी रास्ते से जा सकता है, एक और दो मिनिमम यही डिस्टेंस है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसका मतलब कि ये रूट को जा रहा है ना, रूट को यही जा रहा है ना, तो रूट पॉट हो गया। मतलब हम सिंपल बताना क्या चाह रहे हैं कि डायरेक्टली रूट से कनेक्टेड रहे कोई ऐसा नहीं है, सिंपल समझो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कनेक्शन हो रूट से तब हम रूट पॉट बोलेंगे, नहीं, रूट जाने का रास्ता जो है उसमें जो नॉन रूट इंड पर है उसको हम रूट पॉट बोलेंगे, समझ रहे हो बात को। जैसे क्या, ये डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है रूट से, लेकिन इसका रास्ता रूट को इस तरीके से जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो रास्ता ये स्टार्ट यहां से ही हुआ है ना, ये क्या बन गया, रूट पॉट बन गया, इसका अपोजिट क्या रहेगा रूट पॉट का, ये बन जाएगा डिजिग्नेटेड पॉट। ठीक है, देखो ए जो इंड है ये क्या बन गया,
डिजिग्नेटेड पॉट बन गया। ठीक है, कंफर्म। अब एक और चीज देखो, अगर 700 को हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम 700 को लेते हैं, ठीक है, तो 700 वाले को अगर हम लेंगे, इसका रास्ता क्या है? एक रास्ता 1 2 3 या फिर 1 2 3, ठीक है, या फिर 1 2। कौन चूज करेगा? दो वाले को चूज करेगा, सिंपल है। दो वाले मतलब क्या बन गया? ए बन गया रूट पॉट और यहां वाला बन गया डिजिग्नेटेड पॉट। ठीक है, अब बोलो एक चीज, बोलो क्या कि एक ही इंड है तो इसी इंड पर एक रूट पॉट भी रहे या एक डिजिग्नेटेड पॉट रहे, कैसे पॉसिबल है? सिंपल, देखो बात क्या है, यहां पर हम एक जगह लाकर कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है, तो एक पॉट नहीं है, एक लाइन है जो यहाँ कनेक्टेड है अपना पॉट से, एक और लाइन है जो अपना पॉट से यहाँ कनेक्टेड है, समझ रहे हो? इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं करना है जो अच्छा ये रूट पॉट दे दिया यहाँ डिजिटल पॉट, तो एक ही पॉट को बोल रहे हैं, नहीं एक ही पॉट को हम नहीं बोल रहे हैं। यहाँ क्या है? एक अलग पॉट है जो इसे कनेक्ट कर रहा है, एक अलग पॉट है जो यहाँ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा, क्लियर है? अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, लाओ एक सेकंड, बना ही देते हैं इसको अलग से। एक सेकंड, लो ए है रूट पॉट, ए है डिजिग्नेटेड पॉट, सेम इस साइड में भी कर देते। और क्या, इसको ऐसा लिख देते, यहां लिख देते डीपी लिख देते हैं, ठीक है, डीपी हो गया ये। चलो अब हो गया, यहां पर ये कंफर्म हो गया, ए डीपी हो गया और ए आरपी हो गया अपना अपना, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज देखो, इस रास्ते से कोई जा रहा है क्या? अच्छा एक बचा है, इसका भी कनेक्शन देख लेते हैं पहले, 610 कैसे जाएगा, ठीक है, इसका रास्ता देखो क्या है, 1 2 3, 1 2 3, अब कोई और रास्ता लोगे अगर तो 3 से ज्यादा हो जाए, 1 2 3 4 नहीं जाएगा, 1 2 3 4 नहीं जाएगा, मतलब क्या है, या तो इस रास्ते से चला जाए 3 में, या तो इस रास्ते से चला जाए 3 में, ठीक है, यही चीज है। अब देखो जब यहां से निकला तो यहाँ 612 है, यहाँ 700 है, कम कौन सा है, छोटा कौन सा है? छोटा 612 वाला है, यहाँ पर 700 वाला ज्यादा बड़ा है, मतलब क्या, यहाँ से जो डेटा जाएगा जो इस साइड से जाएगा, इस साइड से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि तो यहाँ 612, देखो पाथ लेंथ दोनों का सेम है, समझो बात को, अगर इस तरह से जाता है 1 2 3, यहां से भी जाएगा तो 1 2 3, दोनों का पाथ लेंथ सेम है, अगर पाथ लेंथ सेम रहे तो किसको देखना है, लिस्ट मैक एड्रेस जिस ब्रिज का है उसके थ्रू लेकर जाओ, लिस्ट मैक एड्रेस वाले ब्रिज के थ्रू, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो यही काम हुआ, यहाँ लिस्ट कौन सा है, 612 700 700, कौन है, 612, ठीक है, 612 में क्या है, इस रास्ते से ही जाएगा, तो इस रास्ते से अगर जाएगा ए क्या हो गया, ए बन गया रूट पॉट बन गया, ए क्या बन गया, ए बन गया डिजिग्नेटेड पॉट, रूट पॉट के अपोजिट में क्या रहेगा, डिजिग्नेटेड पॉट रहेगा हमेशा, ठीक है, तो ये देखो क्या बन गया, ए बन गया रूट पॉट और ए बन गया डिजिग्नेटेड पॉट, ठीक है। अब बताओ इसका यूज हुआ क्या, नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको ब्लॉक्ड करेंगे, ब्लॉक करेंगे तो इसको ब्लॉक्ड पॉट तो होगा, कौन से इंड से करेंगे, देखो यहां 700 है, यहां 610 है, कौन से इंड से, जो ज्यादा मैक एड्रेस रहे उस वाले इंड से कट करना है इसको, जो ज्यादा मैक एड्रेस रहे उस वाले इंड से कट करना है, ठीक है, तो इस वाले होगा तो ओवरऑल रिमूव हो ही जाएगा, ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये तो रिमूव लिंक हो ही जाना है, लेकिन कट कहां से स्टार्ट करना है, कट स्टार्ट करना है यहां से, पॉट को ब्लॉक करना है यहां पर ही, ताकि ये लिंक डिजेबल हो जाए, ठीक है, यहां से भी करेंगे तब भी डिजेबल हो जाएगा, लेकिन हम लोग करें कहां से, जहां पर ज्यादा है मैक एड्रेस, इसका मैक एड्रेस ज्यादा है, इसका कम है, तो ज्यादा वाले साइड से करेंगे, यहां पर कर देंगे, ठीक है, तो इसके लिए इससे करते हैं लाभ।
ए क्या बन गया, ब्लॉक्ड पॉट, ठीक है, ए ब्लॉक हो गया है, ब्लॉक हुआ तो ए कट गया लिंक, ठीक है। इसके बाद और कौन सा, देखो ए भी लिंक, देखो ए इसका भी यूज नहीं कभी हुआ है, ठीक है, इसका भी यूज नहीं हुआ, कौन से एंड से ब्लॉक करेंगे, देखो 612 है यहाँ 700, कहाँ से कट करेंगे, 700 वाले साइड से कट कर लो, ठीक है, तो यही चीज है, यहां से कट कर दो, ये क्या बन गया, ब्लॉक्ड पॉट, ठीक है, ये क्या हो गया, ये कट गया लिंक अब, ठीक है, एक और लिंक हम लोग का कट गया ये, ठीक है। और कौन सा लिंक यूज नहीं किया हुआ है, एक बार देखते हैं, देखो इसका तो यूज हो ही गया है, इसका भी हो गया, इसका भी हो, ये लिंक देखो यूज नहीं हुआ है कभी, ठीक है, कौन सा एंड से कट करें, यहाँ 600, यहाँ 800, कौन सा एंड, यहां से कट करेंगे, ठीक है, तो यहां से कट किए, ये क्या हो गया, ब्लॉक्ड पॉट, और ये क्या हो गया, ये रिमूव हो गया, ठीक है, चलो ये भी रिमूव हो गया। अब कौन बचा है, इसका यूज है, इसका भी यूज है, इसका यूज है, इसका यूज है, इसका यूज है, ठीक है, इतना ही, तीन ही रिमूव होगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर का देखो कैसा रहेगा, ये एक सेकंड दो, ऐसा इसका स्ट्रक्चर देखो क्या रहेगा, 600 500 800 612 क्या 800 सेकंड है, 700 610 ये कनेक्टेड है यहां से, और कुल बचा गया, एक सेकंड देखो, इसको यहां ले ही लिए हैं, ये रास्ता भी आ गया, ये रास्ता भी आ गया, ये रास्ता ले लिए, ये रास्ता ले लिए, यही बन गया, ये जो है ना ये बन गया स्पैनिंग ट्री बन गया, ठीक है। ये क्या है, ये है जो कंप्लीट स्पैनिंग ट्री बन गया, ये क्या है, कंप्लीट स्पैनिंग ट्री ये बन गया, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से ही कैलकुलेशन करना है, इस तरीके से देखना कि स्पैनिंग ट्री बनाना है, कितना एज होगा लिखने के लिए शायद आ जाए, या फिर कौन कौन सा एज को रिमूव किया गया है ये लिखने के लिए आ जाए, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, अब ठीक है, चलो इसके आगे आते हैं। अब आते हैं क्या, राउटर में आते हैं, देखो राउटर का काम क्या रहता है, राउटर क्या बोले कि थ्री लेयर स्विच जैसा बिहेव करेगा, एक और काम क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड नेटवर्क को यह कनेक्ट कर लेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड नेटवर्क को यह कनेक्ट करता है, साथ में क्या है, एक कोलिजन डोमेन सेपरेटर है, कोलिजन होने के लिए ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मल हब में क्या था कि वो कोलिजन डोमेन सेपरेटर नहीं था, मतलब क्या, वो किसी भी रास्ते में एक रास्ते से आया है इनपुट तो बाकी सब रास्ते में सेंड कर दिया, राउटर क्या है ऐसा नहीं है, जो पर्टिकुलर रास्ता रिक्वायर्ड है उसी रास्ते में सेंड करेगा, मतलब कोलिजन केवल उसी रास्ते में हो सकता है, ठीक है। तो राउटर करता क्या है, राउटर के पास में टेबल भी होता है, अलग से मेमोरी होता है, याद करो हम क्या बताए थे जब लास्ट बताए, लास्ट क्लास में जब हम बता रहे थे आईसीएमपी मैसेज के बारे में, ठीक है, आईसीएमपी मैसेज के बारे में बता रहे थे, तो मैसेज आएगा सोर्स क्वेंच मैसेज, इसका मतलब क्या हुआ था कि जब सोर्स बहुत फास्ट रेट से, सोर्स जब बहुत ही फास्ट रेट से डेटा को ट्रांसमिट कर रहा था तो हुआ क्या था, राउटर का बफर फुल हो गया था, मतलब क्या है, राउटर डेटा को भी स्टोर करता है, रिसीव करता है डेटा को, स्टोर करता है, फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो राउटर के पास में दो दो चीज है, एक तो मेमोरी है डेटा को स्टोर करने के लिए भी, दूसरा क्या, दूसरा उसके पास में टेबल भी है जो लिंक किस तरीके से कहां कहां कनेक्टेड है उस लिंक का नॉलेज रखने के लिए टेबल है, जैसे ब्रिज के पास में भी एक टेबल था लेकिन ब्रिज है जो डेटा को स्टोर नहीं कर रहा था, ये क्या है, राउटर क्या करेगा, राउटर डेटा को स्टोर भी करेगा, ठीक है, इस समझ में आ रहा है, यही चीज है। देखो राउटर क्या कर रहा है,
इट्स ए वैन एरिया डिवाइस, वाइड नेटवर्क डिवाइस, इट्स ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या, नेटवर्क लेयर का ही, नेटवर्क लेयर के लिए ही एड्रेस होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ये क्या है, थ्री लेयर स्विच है, क्योंकि ये कवर करता है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये तीनों लेयर को ये कवर कर लेगा, ठीक है। तीनों लेयर का काम यहाँ पर नेटवर्क लेयर है, जो कनेक्शन तीनों लेयर से बनाएगा, ठीक है। मतलब क्या, एक तरीके से बोल सकते हैं क्या कि नेट जो राउटर है, जो फिजिकल लेयर का जो फिजिकल हेडर है उसको भी रीड कर सकता है, डेटा लिंक लेयर का हेडर है उसको भी रीड कर सकता है, प्लस में अपना आईपी हेडर तो रीड करेगा ही करेगा, ठीक है। इसलिए क्या है, थ्री लेयर स्विच है, ठीक है। होगा किस तरीके से, कनेक्शन कैसे होगा, देखो यहां पर एक एड्रेस है 10 डॉट, मान लो 10 डॉट समथिंग ऐसा है, ठीक है। यहां पर है 172.16. इस तरीके से कनेक्शन है, ठीक है। ए अलग है, ए लैन अलग है, कोई और क्लास का है, ए किसी और क्लास का है, ठीक है। लेकिन इंटर क्लास कनेक्शन कौन कर सकता है, राउटर कर सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राउटर यहाँ कनेक्टेड है, इस तरीके से मान लो इसको डेटा सेंड करना है, इस तरीके से डेटा सेंड कर सकता है, इसको सेंड करना है, इस तरीके से सेंड कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं, लाइन सिमुलेशन, ठीक है। डेटा जैसे सेंड करना है राउटर के थ्रू में, ये आराम से कर सकता है। राउटर के पास में क्या है, टेबल है, इस टेबल में इसको नॉलेज है कि किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना है डेटा को किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना है, इसका नॉलेज इसके पास में है, जो ठीक है। ये क्या हो गया, सेम यही चीज लिखा हुआ है कि सेंडर एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, यहाँ क्या है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डेटा एक जगह यहाँ जाएगा, फिर इसमें जितना भी है, जितना भी कनेक्टेड डिवाइस है सेम लैन नेटवर्क में, सब में क्या होगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, एक तरीका ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर भी होता है। ये क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर होता है, या फिर बोल दो कोलिजन डोमेन सेपरेटर, कोलिजन भी नहीं होने देगा ये, ठीक है। इट इज यूज फॉर कनेक्टिंग सिमिलर नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क, दो टाइप के नेटवर्क को यह कनेक्ट कर सकता है। बाई डिफॉल्ट राउटर इज ए ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर, ब्रॉडकास्टिंग भी करेंगे तब भी उसके पार्टिकुलर डोमेन में ही जाकर कोलिजन करने देगा, किसी और रास्ते में नहीं जाने देगा ये, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या है, राउटर क्या है, कोलिजन डोमेन सेपरेटर भी है, बाय डिफॉल्ट है जो राउटर है क्या, कोलिजन डोमेन सेपरेटर भी है, ठीक है। और ये करता क्या है कि अगर मान लो पैकेट है कि OSI मॉडल फॉलो कर रहा है, ठीक है, अगर OSI मॉडल फॉलो कर रहा है, ठीक है, दो नेटवर्क है, दोनों OSI मॉडल फॉलो कर रहा है, तब क्या है, उस दोनों नेटवर्क में क्लास अगर डिफरेंट है तब राउटर काम करेगा। मतलब क्या है कि OSI मॉडल में राउटर काम करेगा, लेकिन अगर ऐसा है कि एक लैन नेटवर्क जो है जो OSI मॉडल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, एक है जो TCP/IP प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, तो इस केस में राउटर काम नहीं करेगा। क्यों, कि होगा क्या कि OSI मॉडल में पैकेट का स्ट्रक्चर कुछ और है, कि OSI मॉडल में 7 लेयर है तो 7 हेडर ऐड हुआ होगा, TCP/IP में 5 ही हेडर ऐड हुआ होगा, क्यों, क्योंकि TCP/IP में केवल 5 ही लेयर होता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो यही बता रहे हैं कि अगर डिफरेंट मॉडल रहे तो इंटर मॉडल जो कम्युनिकेशन होगा ये राउटर नहीं हैंडल कर सकता है। सेम मॉडल में अगर बात कर ले तो OSI है तो कर लेगा काम है, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखो कि यहाँ राउटर तो काम नहीं कर सकता है OSI से TCP/IP में, लेकिन गेटवे यहाँ काम कर सकता है। अगर हम गेटवे को यहाँ यूज कर लेते हैं तो गेटवे की हेल्प से क्या है कि इंटर मॉडल भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो गेटवे करता क्या है कि एक पैकेट जो किसी पार्ट को OSI मॉडल का है उसको TCP/IP मॉडल में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो गेटवे से क्या करेंगे, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल में भी कम्युनिकेशन हो सकता है गेटवे के हेल्प से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, राउटर इज नॉट अ मल्टी प्रोटोकॉल कन्वर्टर। मतलब क्या है, यहां पर OSI प्रोटोकॉल रहेगा, यहां पर TCP/IP प्रोटोकॉल होगा, तो राउटर इज नॉट अ मल्टी प्रोटोकॉल कन्वर्टर बिकॉज इट कैनॉट कन्वर्ट वन मॉडल ऑफ पैकेट इंटू अनदर मॉडल। गेटवे इज ए मल्टी प्रोटोकॉल कन्वर्टर बिकॉज इट कैन कन्वर्ट वन मॉडल ऑफ पैकेट इंटू अनदर मॉडल। मतलब क्या है, गेटवे है जो एक मॉडल का पैकेट को दूसरे मॉडल में कन्वर्ट कर सकता है, राउटर नहीं कर सकता है, इसलिए सपोर्ट भी नहीं करता है, ठीक है। एक और चीज क्या है, ट्रैफिक शेपिंग।
ठीक है। अब बोलो ट्रैफिक शेपिंग क्या है, एकदम आराम से समझो, आराम से समझो, समझ में आएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस पर आता है, ठीक है। इस पर क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, एकदम आराम से समझो। ट्रैफिक शेपिंग का मतलब क्या है, एक तरीके से सिंपल जानो कि ट्रैफिक शेपिंग में जैसे नहाते टाइम क्या करते हो। जब नहाने जाते हैं हम लोग, एक बकेट रखे, नल से पानी हम चालू किए, ठीक है, पानी जा रहा है बकेट में, स्टोर होते जा रहा है, एक लिमिट है ना स्टोर होने का, बकेट का एक साइज है ना, लिमिट है। जब वो लिमिट फुल हो जाएगा, मतलब क्या है कि जो नल हम खोले हैं उससे एक पार्टिकुलर रेट से पानी फ्लो कर रहा है, नल से एक पार्टिकुलर रेट से क्या है, पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मान लो बकेट फुल हो गया, ठीक है, कुछ पार्टिकुलर टाइम जब फ्लो करेगा नल से पानी, क्या होगा, बकेट फुल हो जाएगा। जब बकेट फुल हो जाएगा तो क्या होगा, पानी ओवरफ्लो करने लगेगा, ओवरफ्लो करने लगेगा। अगर चाहते हो कि नहीं ओवरफ्लो करे तब क्या करना होगा, तब नहाना शुरू कर दिए, क्या भाई नहा रहे हैं, पानी भी गिर रहा है उसमें, नहा भी रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत तेजी में नहाओगे तो क्या होगा, बहुत तेजी में नहाओगे तो क्या होगा, पानी कमने लगेगा, पानी अभी भी गिर रहा है, नल से पानी गिर रहा है फिर भी कम रहा है, क्यों, क्योंकि रेट, जिस रेट से तुम पानी निकाल रहे हो उसे, उससे कम रेट से पानी उसमें आ रहा है, इसलिए वो खाली होना शुरू हो गया। अगर बहुत कम रेट से तुम निकालोगे पानी, ज्यादा रेट से उसमें पानी आ रहा है तो क्या होगा, वो भरना शुरू हो जाएगा, थोड़ा टाइम बाद ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यही चीज है ट्रैफिक शेपिंग में, क्या हम लोग देखते हैं राउटर के पास में, क्या बोले हम, एक मेमोरी होता है। जब क्या उसमें बोले थे कि सोर्स क्विंच मैसेज में क्या बोले थे कि यहां पर जब पैकेट ड्रॉप होता है, क्यों, क्योंकि राउटर का मेमोरी फुल हो गया है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट इनकमिंग है, राउटर का मेमोरी फुल हो गया, वो पैकेट को ड्रॉप करना शुरू कर दिया। जब पैकेट को ड्रॉप किया तो ICMP है जो उस पैकेट से सोर्स एड्रेस को लिया, सोर्स को क्या बताया कि तुम्हारा स्पीड बहुत ज्यादा है, यहाँ राउटर है जो कंजेशन में चला गया है, इसका बफर फुल हो गया, तुम्हारा पैकेट को ड्रॉप कर रहा है, इसलिए तुम अपना स्पीड को कम कर लो, ICMP है जो ये मैसेज भेज दिया। तो सोर्स क्या किया था, स्पीड को कम किया था, मतलब इनकमिंग जो पैकेट का स्पीड था राउटर के पास में, जो थोड़ा कम हो गया, आउटगोइंग तो उतना ही था, आउटगोइंग उतना ही है अभी भी, मतलब क्या है कि इनकमिंग जब कम हुआ, नल का स्पीड है कंपेरेटिव, अगर तुम नल का स्पीड और तुम जितना तेजी से पानी निकाल रहे थे उससे, मतलब क्या है, आउटगोइंग पैकेट है, यहाँ पर जो पानी निकाल रहे हैं वो आउटगोइंग पैकेट हो गया। जब नल का स्पीड को कम कर दो, अगर नल का स्पीड को कम कर देंगे तो क्या होगा, बाल्टी खाली होने लगेगा, मतलब क्या है, राउटर का बफर खाली होने लगेगा, तो क्या करेगा, पैकेट को ड्रॉप नहीं करेगा, ये समझ लो बात को, सिंपल लॉजिक है, इसको ही बोलते हैं ट्रैफिक शेपिंग। तो इसमें क्या फाइंड करना है हम लोग को, ये कितना टाइम के लिए, दो तरह का ट्रैफिक होता है, एक क्या स्टेडी ट्रैफिक है, ये नॉर्मल रेट से डेटा फ्लो कर रहा है, एक होता है बर्स्टी ट्रैफिक, बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम हम लोग क्या देखे थे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक था, बर्स्ट टाइम क्या, कितना देर के लिए प्रोसेसर चाहिए, प्रोसेसर कितना देर के लिए चाहिए होता है, ठीक है। वैसे ही उस बर्स्ट से ही बर्स्टी ट्रैफिक बना हुआ है, क्या बर्स्टी ट्रैफिक क्या है, BURST भाई, बर्स्टी ट्रैफिक बोलते हैं, मतलब क्या है भाई, बहुत तेजी में डेटा आ रहा है, कम टाइम में बहुत ज्यादा डेटा को कोई ट्रांसमिट कर दिया है, कोई ऐसा सोर्स है कि बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफर करना लगा, जैसे नल था ना, कोई और बड़ा सा नल है, बहुत तेजी में खोल दो, बहुत तेजी में खोल दिए, क्या हुआ, तुरंत में भर देगा उसको, ठीक है, तुरंत में वो भर देगा। ऐसे क्या, मान लो एक छोटा सा मग है अगर, ठीक है, उस मग में अगर बहुत धीरे नल खोलो, देखते रहो, थोड़ा टाइम लगेगा भरने में, ठीक है, पूरा नल खोल दो तेजी में तो तुरंत भर देगा उसको, समझ रहे हो बात को। ऐसा ही कोई सोर्स मान लो किया कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैकेट को वो ट्रांसमिट कर दिया है, अब चैनल में ट्रांसमिट हो गया तो फ्लो करेगा, फ्लो करेगा क्योंकि चैनल का तो अपना बैंडविड्थ है, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है। राउटर के पास में इतना तेजी में पैकेट आने लगा है क्योंकि उसके जैसा और भी पैकेट था राउटर के पास में ट्रांसमिट करने वाला सोर्स, ठीक है, इतना तेजी में आया, इसका बफर क्या हुआ, फुल हो गया है। तो क्या बोलेगा, कम करो स्पीड, ड्रॉप नहीं करेंगे, बोलेगा कौन, ICMP रहता है इसके लिए, इस टाइप के एरर को हैंडल करने के लिए ICMP रहता है IPv4 में, ठीक है। बस वही चीज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है, यही है कि कितना टाइम के लिए कोई सोर्स है जो बहुत फास्ट ट्रांसमिशन कर देगा तो कितना टाइम तक राउटर उसको हैंडल कर सकता है, कैसे हैंडल करेगा, क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा, ये जैसे बाल्टी भरेगा तो क्या क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है,
पहला चीज बाल्टी का कैपेसिटी क्या है, वही चीज यहां देखेंगे राउटर के बफर का कैपेसिटी क्या है, इनकमिंग पैकेट मतलब जो नल खोले हो उससे किस रेट से पानी आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा इनकमिंग पैकेट्स हो गया, दो चीज हो गया ठीक है। उसके बाद में क्या एक और, किस रेट से तुम पानी निकाल रहे हो उससे, आउटगोइंग पैकेट हो गया, तीन रेट हो गया। एक और चीज देखो क्या होता है, जब पानी गिरा था तो पानी मिक्स हो गया, तुमको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पहले पानी गिरा कौन बाद में गिरा, तुम्हारे लिए सब पानी है H2O ही है ठीक है। लेकिन यहाँ राउटर के लिए क्या है, राउटर का क्या है कि डेटा है, डेटा किसी पर्टिकुलर पैकेट का आया है ठीक है, कोई पैकेट को कहीं जाना है कोई पैकेट को कहीं और जाना है ठीक है, इसको काउंटिंग मेंटेन करना रहेगा, यहाँ पर स्टोर करेगा बफर में, सही बात है बकेट में ही स्टोर कर रहा है वो, बफर उसको नाम बोल रहे हैं, लेकिन इसके पास में डेटा का काउंटिंग भी जरूरी है कि कौन डेटा किसका है ठीक है। अब ये काउंट करने के लिए ये एक टोकन जेनरेट करता है, एक टोकन देता है कि लो तुम बैठो, उसको भी दिया लो तुम भी बैठो, लो तुम भी बैठो, अभी जाने का रास्ता नहीं है, सबको टोकन दे दे के बैठा दिया, टोकन जेनरेट कर रहा है ठीक है। टोकन जेनरेट करने का भी एक रेट है, मैक्सिमम कितना तेजी में टोकन जनरेट कर सकता है, टोकन जनरेट करेगा स्टोर करने के लिए ठीक है, एक टोकन जनरेट करने का रेट हो गया। बस ये सबको मिलाकर एक फॉर्मूला बनेगा ट्रैफिक शिपिंग का ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा भाई, सी कैपेसिटी प्लस रो मतलब क्या टोकन को जनरेट करने का रेट ठीक है, रो इंटू कितना टाइम के लिए जनरेट कर रहा है इस रेट से, रो इंटू एस इक्वल टू आउटगोइंग कैसा है, आउटगोइंग कैसा है भाई एम किस रेट से आउटगोइंग पैकेट है ठीक है, कितना टाइम के लिए एस, तो आउटगोइंग इनटू एस कर दिया कितना टाइम से बाहर पैकेट जा रहा था ठीक है। इसको हम कैसे मैच करेंगे भाई, इसको हम मैच कैसे करेंगे कि इसका कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है और टोकन जनरेट किस रेट से कर रहा है ठीक है। बस यही चीज है यहां पर, क्या एक होता है बर्स्टी ट्रैफिक होता है जब देखो बहुत तेजी में डेटा आया, यहाँ क्या है बहुत तेजी में डेटा आया, स्टेडी ट्रैफिक मतलब धीरे धीरे फ्लो कर रहा है डेटा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, बर्स्टी ट्रैफिक में ही प्रॉब्लम आता है ठीक है, स्टेडी या स्टेट ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बर्स्टी ट्रैफिक जहाँ है देखो यहाँ पर इस ए जो एरिया है इसमें प्रॉब्लम आ सकता है ठीक है। यही देखना है कितना टाइम के लिए बर्स्टी ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है राउटर ठीक है। ये देखो व्हेन द डेटा ट्रैफिक इज कांस्टेंट इट इज स्टेडी स्टेट ट्रैफिक, वही बात है कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है डेटा जो, व्हेन देयर इज सडन इंक्रीज इन ट्रैफिक इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम बहुत कम टाइम में सडन इंक्रीज हो जाए ट्रैफिक में इट इज नोन एज बर्स्टी ट्रैफिक, उसको क्या बोलेंगे बर्स्टी ट्रैफिक बोलेंगे। व्हेनेवर द इनपुट ट्रैफिक इज स्टेडी और बर्स्टी ट्रैफिक मतलब जब इनपुट ट्रैफिक है जो स्टीडी रहेगा या बर्स्टी ट्रैफिक रहेगा, इफ द आउटपुट रेट इज मेंटेन्ड एज कांस्टेंट देन ट्रैफिक शेपिंग कैन बी अचीव्ड, आउटपुट रेट है और बाहर जाने का रेट है एक पर्टिकुलर रेट को अगर मेंटेन कर दिया जाए तब क्या करेगा ट्रैफिक शेपिंग को अचीव किया जा सकता है। जैसे क्या इसमें क्या है, रो क्या बोले टोकन रेट होता है, किस रेट से टोकन जनरेट किया जा रहा है इस बफर में स्टोर करने के लिए ठीक है। एम क्या है, आउटपुट यहां से निकल रहा है किस रेट से, एक है इनकमिंग पैकेट है, इनकमिंग पैकेट्स है भाई कितना टाइम के लिए इनकमिंग बर्स्टी ट्रैफिक आया है ठीक है। इसको सी क्या है, सी ए क्या है, सी है जो कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है इसका, इसका कैपेसिटी क्या है ठीक है। मान लो 50 है, 50 मेगाबिट्स का कैपेसिटी है ठीक है, मान लेते हैं 50 मेगाबिट्स का कैपेसिटी है, हो सकता है 50 मेगाबिट्स का कैपेसिटी, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। इस तरीके से कैपेसिटी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी कैपेसिटी प्लस टोकन्स इनटू टाइम, कितना टाइम के लिए टोकन क्रिएट करना है, इक्वल टू आउटपुट इनटू टाइम। तो देगा क्या क्वेश्चन में, देगा क्या कैपेसिटी दे देगा, टोकन रेट दे देगा और आउटपुट रेट दे देगा, पूछा क्या फॉर हाउ मच टाइम, फॉर हाउ मच टाइम दिस काइंड ऑफ बर्स्टी ट्रैफिक ए राउटर कैन हैंडल, मतलब इस टाइप के बर्स्टी ट्रैफिक को राउटर कितना टाइम के लिए हैंडल कर सकता है ठीक है। या फिर बोल दे रहा है क्या कितना टाइम के लिए हैंडल कर रहा है, कैपेसिटी इतना है आउटपुट रेट इतना है, तो टोकन रेट क्या था,
या फिर कैपेसिटी पूछ दे। यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, टोटल चार वेरिएबल है, चार में कोई तीन दे देगा, एक पूछेगा, बस यही चीज कर सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, व्हेनेवर द इनकमिंग पैकेट्स रीच टू द राउटर इनिशियल कैपेसिटी इज लेस देन मोर टोकन्स आर जनरेटेड द मोर अमाउंट ऑफ डेटा इज फॉरवर्डेड बट टोटल डेटा इज कॉन्स्टेंट। टोटल डेटा कॉन्स्टेंट है, टोटल डेटा लॉस नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि डेटा लॉस होने का मतलब क्या है, ट्रैफिक सेपिंग अचीव नहीं हुआ है। ट्रैफिक सेपिंग का मतलब क्या है कि डेटा लॉस भी ना हो, हम उस टाइप समझो बात को, क्या हम बोलने वाले हैं, हम चाह रहे हैं क्या कि ठीक है भाई बहुत तेजी में डेटा आया लेकिन सोर्स को इंच मैसेज का जरूरत नहीं पड़े, मतलब पैकेट ड्रॉप नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि जो भी डेटा आया स्टोर हो जाए, फॉरवर्ड होते रहे, यही चीज है, यही पूछ रहा है कितना टाइम के लिए बहुत तेजी में डेटा आएगा जो राउटर हैंडल कर लेगा, पैकेट को ड्रॉप करने का जरूरत नहीं पड़े, वो हैंडल कर ले, बस यही चीज यहां बोल रहा है। यार कॉन्स्टेंट डेटा आउटपुट रेट को मेंटेन किया जाए अगर, तो टोकन देकर हैंडल किया जा सकता है बस ट्रैफिक को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो टाइम ही कैलकुलेट करना है हम लोग को, ठीक है। व्हेनेवर इनकमिंग ट्रैफिक रीच टू द राउटर इफ इनिशियल कैपेसिटी इज हाई देन लेस टोकन्स आर जनरेटेड। देखो अगर इनिशियल कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है तो टोकन्स कम जनरेट किया जा रहा है, ठीक है, कम कैपेसिटी है तो ज्यादा टोकन जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। देन लेस अमाउंट ऑफ डेटा इज फॉरवर्डेड बट टोटल डेटा इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है, टोटल डेटा हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहेगा। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या मान लो इनिशियल कैपेसिटी गिवन है, सी का वैल्यू गिवन है 2 मेगाबिट्स, टोकन रेट है 6 Mbps अगर, ठीक है, आउटपुट रेट है 12 Mbps, ठीक है, ये आउटपुट रेट क्या है m हो गया, टोकन रेट क्या है रो हो गया, इनिशियल कैपेसिटी क्या है c हो गया, ठीक है, फॉर हाउ मच टाइम इट कैन हैंडल बर्स्टेड ट्रैफिक, बर्स्टेड ट्रैफिक को कितना टाइम के लिए हैंडल कर सकता है, क्या फॉर्मूला हम लोग का यही फॉर्मूला है, c + rho = ms, ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यू, ठीक है, एक बार देख लो, इसको भी देख लेते सॉल्व कर लेते हैं, c + rho s है ना, c क्या है 2 मेगाबिट्स, 2 × 10⁶, ठीक है, प्लस रो का वैल्यू क्या है 6 Mbps, 6 × 10⁶ Mbps, एमबी पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, इंटू s इक्वल टू m का वैल्यू क्या है 12 × 10⁶ Mbps इंटू s, यही है, ठीक है। अब देखो 10⁶ है जो, 10⁶ कट गया, ठीक है, अब रिमेनिंग क्या बचा है भाई, देखो रिमेनिंग क्या बचा है, देखो 6 × s को राइट साइड में लेकर चले जाओ, क्या बनेगा 12s - 6x, इसको देखो ये क्या है 6s है, यहाँ क्या है 12s है, इसको अगर राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा तो 12 - 6 कितना 6 बचा, तो 6s इक्वल टू कितना रह गया 2 रह गया, ठीक है, 6s इक्वल टू 2, s इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3, एक सेकंड, 1/3 सेकंड, 1/3 सेकंड के लिए हैंडल कर सकता है इस टाइप का ट्रैफिक को, ठीक है, 1/3 सेकंड के लिए, 1/3 सेकंड के लिए राउटर है जो हैंडल कर सकता है। बोलो 1/3 सेकंड तो बहुत ही कम है, ये ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ माइक्रो सेकंड में भी काम होता है, जैसे क्या हम लोग क्या बोले थे, प्रोपगेशन टाइम होता है, क्या बोले थे, लेस देन इक्वल टू 52 माइक्रो सेकंड रहेगा वो, या 54 माइक्रो सेकंड जो उसके अराउंड रहता है, माइक्रो सेकंड के अराउंड यहाँ रहता है, विजिबल आई से नहीं है, सिग्नल बहुत ही फास्ट ट्रांसमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट से ना ट्रांसमिट हो रहा है, कोई भी चीज ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, सिग्नल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, जहां भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आ गया वहां बहुत ही फास्टर रेट रहेगा, रेट बहुत फास्टर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या है 1/3 सेकंड बहुत कम नहीं है, बहुत टाइम है, ठीक है, तो चलो ये हो गया, हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको देख लेना है आराम से, ठीक है। एक और चीज देखो क्या होता है, एक और चीज क्या होता है, लोड शेडिंग होता है। लोड शेडिंग का मतलब क्या है कि पैकेट को ड्रॉप करने का तरीका एक्चुअली ये बता रहा है, लोड को शेड करना मतलब ड्रॉप कर रहे हैं पैकेट को, ठीक है। अब राउटर कौन सा पैकेट को ड्रॉप करेगा, सिंपल एक चीज बताओ,
कभी लाइव देखे होगा कोई भी चीज, कुछ टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ठीक है, मान लो टीवी में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, लाइव टेलीकास्ट हो गया है। कभी कभी क्या है कि नेटवर्क नहीं अच्छा रहता है, धुंधला धुंधला पूरा आने लगा कभी, ठीक है। जब सही होता है तो ऐसा कभी हुआ क्या, जब सही हुआ नेटवर्क पूरा तो क्या देखे, जो जब खराब था उस समय वाला अभी दे रहा है, मतलब क्या, जो खराब हुआ था उसको पहले अच्छा से दिखा रहा है फिर आगे दिखाएगा, ऐसा हुआ क्या? ऐसा होने में क्या होगा, जो खराब था वो तो पास हो गया है क्योंकि रियल टाइम में काम हो रहा है, ठीक है, लाइव टेलीकास्ट है, तो थोड़ा देर बाद में लाइव तो कुछ और चीज चल रहा है, मान लो क्रिकेट ही है, क्रिकेट लाइव कुछ और चल रहा है, मान लो हम देखे क्या कि जब 100 रन पर 4 विकेट था तो मेरा झिलमिल हो गया टीवी, ठीक है, अब उसमें नेटवर्क नहीं था, अब वहां से थोड़ा टाइम बाद है, 1 ओवर और हो गया है, तब रन हो गया है 104, विकेट हो गया है 6, 2 विकेट गिर गया है, तो 104 पर 6 अब हो गया है, तो 104 पर 6 हमको दिखाएगा नेटवर्क सही होने में, या फिर 100 पर 4 वाले से पूरा ओवर दिखाना शुरू करेगा हम लोग को, क्या चाहिए बताओ, रिक्वायरमेंट क्या है हम लोग का, हम लोग का रिक्वायरमेंट है कि अपडेटेड रहे, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ ना छोड़ो उसको हटाओ, लेकिन अपडेट रहे उसको छोड़ दो, यही चीज राउटर करेगा क्या, उसको ड्रॉप कर देगा, लाइव टेलीकास्ट में पुराना पैकेट है उसको ड्रॉप करेगा, नया जो है उसको डाउनलोड कर लिया, समझ में आ रहा है। एक और चीज बताओ, मान लो हम कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर तुम कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, कभी देखो क्या, कभी बहुत अच्छा स्पीड आ रहा है, मान लेते हैं क्या कि 10 Mbps की स्पीड से डाउनलोड हो रहा है मूवी, ठीक है, अच्छा स्पीड आ रहा है, मतलब या कम भी मानो 1 Mbps से हो रहा है, अभी डाउनलोड हो रहा है, बीच में क्या देखे तो KBPS में स्पीड आ गया, 100 KBPS में आ गया, वो क्या हुआ, थोड़ा देर बाद 100 KBPS हुआ, स्पीड कम गया है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि मूवी या कुछ पार्ट डाउनलोड ही ना करे क्योंकि स्पीड कम गया था, क्या करते, ऐसा नहीं करेगा, वो पूरा पैकेट को डाउनलोड करेगा, मतलब क्या कि स्पीड कम गया है, पहले ओल्ड पैकेट को डाउनलोड कर लेगा तभी नया पैकेट को लेकर आएगा, क्योंकि उसी सीक्वेंस में मूवी चलना है, मूवी डेटा है ना तुम्हारा, उस डेटा को उसी सीक्वेंस में देखना चाहते हो, जब भी फाइल ट्रांसफर रहे, मूवी क्या एक तरह का फाइल है, ठीक है, जब कभी फाइल ट्रांसफर करना हो तो क्या प्रेफर करेंगे, पुराना पहले अपलोड करो या डाउनलोड करो फिर नया डाउनलोड करो, लेकिन लाइव जब देख रहे होंगे तो पुराना को ड्रॉप करो नया को डाउनलोड करो, बस यही चीज है ट्रैफिक शेडिंग, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस पर ही देखो बात करेंगे क्या, ये ट्रैफिक शेडिंग में देखो है क्या कि देखो ओल्ड पैकेट इस तरीके से मूव कर रहा है, मान लो टोटल 6 पैकेट है, ठीक है, अब स्पीड नहीं है, स्लो होने के कारण क्या हो गया है, अब पिछला को करें डाउनलोड या नया वाला को करें, ठीक है, ये पहले का है ये नया वाला है, किसको हम करेंगे भाई, तो पहले वाला को छोड़ देंगे, पहले वाला को करेंगे ड्रॉप, क्यों, इनकेस ऑफ मल्टीमीडिया ऑनलाइन प्लेइंग ड्रॉप, जब लाइव प्ले हो रहा है, ऑनलाइन प्ले हो रहा है मतलब क्या है, लाइव एक तरीके से बोल सकते हैं, ऑनलाइन मतलब क्या हो गया, एक तरीके से बोल सकते हैं कि लाइव है, ठीक है, तो लाइव वाले में पुराना को ड्रॉप करेंगे नया वाला को डाउनलोड कर लिए, ठीक है, लाइव में क्या होगा, नया वाला को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और क्या फाइल ट्रांसफर में क्या है कि नॉर्मल क्या होता है, दूध कैसा चाहिए किसको, मिल्क कैसा चाहिए, नया चाहिए होता है, न्यू प्रिफर होता है, लेकिन वाइन कैसा चाहिए होता है, जितना पुराना है उतना ज्यादा कॉस्ट रहेगा वाइन का, रहता है ऐसा, क्यों रहता है, वाइन है जो ओल्ड प्रिफर्ड किया जाता है, मिल्क है जो न्यू प्रिफर किया जाता है, वैसे ही जब लाइव है तो क्या करेंगे हम लोग, लाइव है तो नया वाला को प्रिफर करेंगे, ठीक है, अगर फाइल ट्रांसफर है तो फाइल ट्रांसफर के क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, ओल्ड वाले को प्रेफर करो, ओल्ड को डाउनलोड करो फिर नया वाला करना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, बस यही चीज है, ओल्ड पैकेट और न्यू पैकेट में किसको ड्रॉप करना है, किसको डाउनलोड करना है एक पार्टिकुलर टाइम में, ये डिसाइड करने के लिए ट्रैफिक सेटिंग है, ठीक है, किसको छोड़ना है, किसको ड्रॉप करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों केस में समझ, लाइव रहे तब क्या करना है, कोई फाइल ट्रांसफर हो रहा है तब क्या करना है, बस यही चीज इसमें है, ये क्या है, इट्स अ वे ऑफ लूजिंग पैकेट्स व्हेन द पैकेट कैन नॉट
बी हैंडल्ड बाई राउटर। अगर राउटर से नहीं हैंडल हो रहा है कुछ स्पीड प्रॉब्लम के चक्कर में, उस केस में क्या करेगा, ये कौन सा पैकेट को लूज करना है, कौन सा पैकेट को ड्रॉप करना है, इसके अकॉर्डिंग ये राउटर है जो समझेगा। ठीक है, ये लाइव है या कोई फाइल है। ठीक है, एप्लीकेशंस लाइक एफटीपी, एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, प्रेफरेंस गिवन टू ओल्ड पैकेट। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या है, प्रेफरेंस किसको मिलेगा, ओल्ड वाले पैकेट को मिलेगा। ठीक है, यही चीज देखो, एप्लीकेशंस लाइक मल्टीमीडिया और वीडियो एप्लीकेशन, प्रेफरेंस गिवन टू न्यू पैकेट्स। ठीक है, मल्टीमीडिया और वीडियो एप्लीकेशंस में क्या रहेगा, प्रेफरेंस नया वाले को दिया जाएगा, लाइव वाले को दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हो। इसके देखो यहां तक अभी ट्रैफिक सेटिंग समझ में आ गया, छोटकल पार्ट है, इसको समझ लो, ऐसा क्वेश्चन इससे थ्योरी बेसिस पर ही क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, न्यूमेरिकल जहां पर हम नहीं बता रहे हैं मतलब कि वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, जहां पॉसिबल रहेगा हम बताते ही हैं। ठीक है, बहुत बहुत टाइम लेकर हम बताए हैं, ऐसा भी हम क्वेश्चन बताए हैं कि एक क्वेश्चन को एक घंटा तक हम समझाए हैं, रिक्वायरमेंट था वहां पर। ठीक है, चलो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में होता क्या है, एक होता है राउटिंग एल्गोरिथम। राउटिंग एल्गोरिथम मतलब क्या है, राउटर क्या करेगा, राउटिंग मतलब क्या होता है कि राउटर किस तरीके से पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, इनकमिंग आया, रिसीव किया कुछ, उसको आउटगोइंग कैसे फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, इसको राउटिंग बोलते हैं, किस तरीके से फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो राउटिंग के लिए कुछ कुछ एल्गोरिथम भी है। ठीक है, राउटिंग के लिए कुछ कुछ एल्गोरिथम भी है। क्या क्या है भाई, दो टाइप का मेनली एल्गोरिथम होता है, जो आउटगोइंग पैकेट्स है इसके लिए दो टाइप का एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, एक होता है स्टैटिक एल्गोरिथम, एक होता है डायनेमिक। स्टेटिक नाम से क्या लग रहा है कि स्टेटिक है, मतलब कि हमेशा एक ही जैसा रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है। डायनेमिक नाम सुनकर क्या लग रहा है, डायनेमिक है, चेंज हो सकता है। डायनेमिक देखो राउटिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं इसको। स्टेटिक का नाम सुनकर क्या लग रहा है कि चेंज नहीं हो सकता है, डायनेमिक नाम सुनकर क्या लग रहा है कि चेंज हो सकता है, मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, एडेप्ट करेगा, एडेप्टिव बोल सकते हैं। ये क्या है, नॉन एडेप्टिव है, एडेप्ट नहीं करेगा, सेम रहेगा हमेशा ही। ठीक है, तो स्टैटिक वाले में क्या है, डज नॉट कंसीडर लोड ऑन नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में लोड कम है या ज्यादा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसको। ठीक है, ये हमेशा एक जैसा ही रहेगा। नॉन एडेप्टिव एल्गोरिथम, क्योंकि आप बोले नॉन एडेप्टिव, एडेप्ट नहीं कर रहा है, एडेप्टेशन मतलब क्या होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेना। ठीक है, ये क्या है, नॉन एडेप्टिव है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल फ्लडिंग होता है। ठीक है, फ्लडिंग क्या होता है, नॉन एडेप्टिव होता है। किस तरीके से फ्लडिंग काम करेगा, सिंपल बताओ, एक जब हम बोले थे कि नेवर सोलिसिटेशन मैसेज, जब हम बोले थे, ठीक है, IPv6 में, तो हम क्या बोले थे, उसमें एक सिस्टम है जो बाकी सभी सिस्टम्स को, वहां पर लैन में जो कनेक्टेड है, सभी सिस्टम को क्या सेंड करता है, एक मैसेज सेंड करता है कन्फर्मेशन के लिए कि मेरा जो मैक एड्रेस है किससे मिलता जुलता तो नहीं है, कन्फर्मेशन चाहता है, उसके बाद अपना मैक को एक्सटेंडेड मैक में चेंज करेगा। ठीक है, उस केस में सबको मैसेज भेजना है, सबको मैसेज भेजना है, वहां पर हम फ्लडिंग का यूज करते हैं कि अपना मैसेज है उसको फ्लड कर दिए, जो भी रास्ता है, जो भी रास्ता अपना ढूंढते ढूंढते सबके पास पहुंच जाए, वहां पर फ्लडिंग बोलते हैं। ठीक है, एक और क्या है, डायनेमिक एल्गोरिथम है। इसमें क्या होगा, ये डायनेमिक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, सिचुएशन बोल लो या फिर रिक्वायरमेंट बोल लो, उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट करेगा, अपने आप को चेंज कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, अभी रूट कुछ और है, हो सकता है बाद में रूट कुछ और रहे, बाद में रूट कुछ और रहे। ठीक है, फ्लडिंग में क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं, उस सब रूट में जैसा एक बार कर रहा है फ्लडिंग, सब रूट में भेज देना, वही आंख बंद सब रूट में भेज दे। जैसे क्या, हब था, हब में क्या हो रहा था, हब में क्या हुआ, एक पैकेट आया, उस पैकेट को सब रास्ते को ट्रांसमिट कर दिया, बस वही काम यहाँ वैसे ही हो रहा है फ्लडिंग में, जिस रास्ते आया है उस रास्ता को छोड़कर। हब भी यही काम कर रहा था, जिस रास्ते से आया है इनकमिंग पैकेट उसको छोड़कर बाकी सब रास्ता में सेंड कर दो, बस यही काम यहाँ फ्लडिंग में भी होगा, जिस रास्ते से आया है उस रास्ते को छोड़कर बाकी सब रास्ते में सेंड कर दो। ठीक है, और इसमें डायनेमिक में क्या है, ये एडेप्ट करेगा, किस रास्ते भेजना है, अभी हो सकता है एक पर्टिकुलर रास्ता को चूज किया था, अभी हो सकता है कि इस रास्ते से भेज रहा है कहीं। ठीक है, फर्दर बात, अगर इस रास्ते में कंजेशन देख लेगा तो किसी और रास्ते से यहां भेजेगा, एडेप्ट करेगा ये। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंसीडर द लोड ऑन नेटवर्क एडेप्टिव एल्गोरिथम। इसमें क्या क्या है भाई, एक होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक है, इसमें क्या, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ने वाले हैं इसको, हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक है, अभी हम एक बेसिक रफली हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है क्या, डिस्टेंस वेक्टर रहेगा, इस पर क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है।
ठीक है, इसको बहुत अच्छे से बताएंगे और समझ लेना इसका, क्योंकि इसका क्वेश्चंस आता है गेट में, गेट या कोई और भी एग्जाम हो, कोई भी अच्छा एग्जाम रहे वहां पर आएगा। एक होता है लिंक स्टेट राउटिंग, ये भी क्या है, एडेप्टिव है, ठीक है। एक होता है पाथ वेक्टर राउटिंग, ठीक है। ये तीनों के तीनों है जो डायनेमिक एल्गोरिथम है। इससे क्या रहेगा, ये तीनों को यूज करके राउटर के पास में क्या डेवलप होता है, राउटर अपना टेबल को डेवलप करता है, जिसके हेल्प से ज्यादा इफिशियंटली डेटा को फॉरवर्ड करेगा। हम क्या बताए थे, जो पैकेट्स मतलब बाय डिफॉल्ट है जो पैकेट्स है नेटवर्क लेयर में कौन फॉरवर्ड करता है, तो बाय डिफॉल्ट है जो पैकेट्स आर राउटेड बाय राउटर ओनली। लेकिन ये क्या बोले थे, सोर्स राउटिंग अलग से हम बोले थे, क्या स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग या लूज सोर्स राउटिंग, मतलब क्या है, सोर्स भी कभी कभी पैकेट को फॉरवर्ड करता है, लेकिन मेनली ये राउटर का काम है किस तरीके से पैकेट फॉरवर्ड होगा, ठीक है। ये राउटर है जो राउटर का काम है जो राउटर ही करता है, ठीक है। तो राउटर के पास में उतना ब्रेन भी तो होना चाहिए ना, तो राउटर के पास में क्या, इनिशियल तो मेमोरी है, ब्रेन डेवलप कैसे होगा, डेवलप करने के लिए ये सब एल्गोरिथम लगाए गए। जैसे हम क्या बोले, ब्रिज में क्या बोले, जब डेटा आया डेटा गया तो क्या किया, ब्रिज किस रास्ते गया कहां जाना है सब लिखते लिखते डेवलप कर लिया अपना टेबल को, अब उसके पास में ब्रेन आ गया। बस यही चीज यहां भी है, यही चीज यहां भी है, ठीक है। यहां क्या करेगा, राउटर है जो ये तीनों एल्गोरिथम को यूज कर करके अपना दिमाग को डेवलप करेगा, अपना स्टोरेज में सब टेबल में सब कुछ लिख लेगा, फिर क्या है एकदम फुल एंड फाइनल सब जान लगेगा। अच्छा, हर नेटवर्क के हर चीज का आइडिया राउटर को है, नेटवर्क का हर चीज का आइडिया राउटर को है, ठीक है। कौन सा लिंक किधर गया है, आगे कौन सा राउटर मिलने वाला है, कौन सा डेस्टिनेशन किस रास्ते है, सब जान रहा है वो, ठीक है। यही सब, ये सब है जो तीनों एल्गोरिथम को यूज करके, ये तीनों एल्गोरिथम है जो नेक्स्ट क्लास में हम बताने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तीनों एल्गोरिथम बताएंगे, नेटवर्क लेयर समझो ओवर हो जाएगा वहां पर, ठीक है। थोड़ा कुछ और बचेगा, सारा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सब इंड हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क लेयर इंड होगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद में क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या, देखो डायनेमिक वाला तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टैटिक वाले को अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक में देखो क्या है, स्टैटिक में क्या है, क्या बोले, फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या है, हम क्या बोले, हब जैसा काम करेगा। हब में क्या जानते हैं पहले से हम लोग, हब क्या करता है भाई, हब के पास में एक डेटा आया, ये मान लो हब है, क्या करेगा, ए रास्ता है ए रास्ता है दोनों रास्ता भेज दिया। अब यहां पर आया, यहां से ए रास्ता एक है एक ए रास्ता है, ठीक है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, यहां से ए रास्ता है इधर भी दोनों रास्ता गया, इधर से भी जा रहा है। लेकिन एक चीज देखो, जो यहां से ऐसा पैकेट गया है सी से डी की ओर अगर जा रहा है, डी से बी जा सकता है, डी से बी भी जा सकता है, लेकिन बी से ए नहीं आएगा कभी, बी से ए नहीं आएगा, समझ लो बात को। ऐसा नहीं कि एक पैकेट है जो यहां से बी गया, बी से डी गया, डी से सी गया, सी से ए आ रहा, नहीं, इतना मूर्ख वाला काम नहीं करता है, ठीक है। ये जान रहा है कि इसको हमेशा ही आगे जब ट्रांसमिट करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब कि टुवार्ड्स द डेस्टिनेशन जाने का रास्ता मिलना चाहिए इसको, ठीक है। क्या करेगा, टुवार्ड्स द डेस्टिनेशन मूव करेगा ये, ठीक है। लेकिन जितना पॉसिबल रास्ता है सब पॉसिबल रास्ते से भेजेगा, जितना पॉसिबल है सब रास्ते से भेजेगा ये, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इट इज डिफाइंड एज wherever a packet comes to router, whenever a packet comes to router, it is diverted in all destination, in all direction होगा actually, in all directions except point of origin, point of origin को छोड़कर बाकी सारे direction में ये divert कर दिया जाएगा। It creates redundant packets, इससे होगा क्या, देखो कितना packet बना दिया है, ये पैकेट पूरा नेटवर्क को भर के रख दिया है, क्या रिडंडेंसी एक तरह का हो गया, मतलब नेटवर्क कंजेशन जैसा ही ला सकता है सिचुएशन, ठीक है। तो इसको बोले हैं क्या, इट क्रिएट्स रिडंडेंट पैकेट्स व्हिच कैन लीड टू कंजेशन ऑफ ए राउटर, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ फ्लडिंग इज टू फाइंड आउट द अननोन डेस्टिनेशन, अगर अननोन डेस्टिनेशन है तो कैसे फाइंड करोगे, अब डेस्टिनेशन पता ही नहीं आ जाएगा, कैसे तुम सेंड करोगे, क्या करो, फ्लडिंग कर दो, सबके पास में चला गया। कहाँ कर रहे थे हम लोग एआरपी में कर रहे थे, जब एआरपी प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे थे IPv4 में, किसी का डेस्टिनेशन एड्रेस को फाइंड करने के लिए, मतलब मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, एआरपी पैकेट सेंड कर रहे थे, तो क्या था, सबके पास में गया,
जो वो पार्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है जिसका वहां गया उसका मैक एड्रेस लेकर चला आया। ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, फ्लडिंग का यूज कर रहे थे हम लोग। द एडवांटेज ऑफ फ्लडिंग इज टू फाइंड आउट अनोन डेस्टिनेशन। वेन एवर देर इज ए चेंज इन द नेटवर्क दिस कैन बी इन्फॉर्म टू ऑल राउटर, एक सेकंड, टू ऑल राउटर इज नहीं होगा, यूजिंग फ्लडिंग एल्गोरिथम। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड लिख सकते हो, चलो चलो। वेन एवर, जब कभी भी देर इज ए चेंज इन नेटवर्क, नेटवर्क में जब कभी भी कुछ चेंज होगा तो राउटर को बताना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को, क्योंकि राउटर क्या है, अपना टेबल बना के वो बैठा हुआ है। अब मान लो तुम कुछ नेटवर्क में चेंज कर लेते हो, तुम तो चेंज कर दिए हो, राउटर जो बनाया हुआ टेबल उसका गलत हो जाएगा ना, उसका तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में राउटर क्या करते हैं, राउटर को इन्फॉर्म किया जाता है, दिस कैन बी इन्फॉर्म टू ऑल राउटर्स यूजिंग फ्लडिंग एल्गोरिथम। राउटर को इन्फॉर्म करें कैसे, फ्लडिंग से, क्योंकि सब राउटर को इन्फॉर्म करना है, सब राउटर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वो अपना टेबल को मेंटेन कर लेगा, सही कर लेगा, अपडेट कर लेगा कि भाई ऐसा लिंक में ऐसा चेंजिंग आया है। ठीक है, यही चीज है क्या। देखो, इन द गिवन नेटवर्क डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ फ्रॉम ए टू ई, ए से ई जाने का टोटल पाथ को फाइंड करना है यूजिंग फ्लडिंग एल्गो। फ्लडिंग एल्गो में कैसे जा सकता है, क्या भाई, तो इसका एज का वेट दिया है, क्या एज का वेट नहीं है, यूज हॉप एज ए मैट्रिक, मतलब क्या है, एक हॉप हुआ, एक हॉप हुआ, एक हॉप हुआ, एक हॉप हुआ, एक हॉप हुआ। हॉप मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे कूदते कूदते चल रहे हैं, हॉपिंग। ठीक है, वही चीज है, यहां से यहां एक हॉप, यहां से यहां एक हॉप, क्या क्या रास्ता हो सकता है भाई, कितना नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ हो सकता है, एक बार लिखते हैं कैसा हो सकता है। मान लो ए से ही जाना है ना, तो ए से बी गया, डी गया, ई गया, एक रास्ता ये हो गया, फिर क्या भाई, ए बी सी ई, ए भी हो गया, फिर ए बी सी डी ई, एक रास्ता ए भी हो गया, फिर उसके बाद ए बी डी सी ई, ए भी होगा क्या, देखो तो, ए से बी डी सी ई, ये सही है क्या, रास्ता है लेकिन ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि सिंपल जानो, हमेशा ही टुवार्ड्स द डेस्टिनेशन मूव करना है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, डी से डायरेक्ट यहां जा सकता है, डी से डायरेक्ट यहां जा सकता है, लेकिन यहां से देखो बैक लाए हो, फिर यहां से लेकर जा रहे हो, ये गलत चीज है। ठीक है, यही चीज है, ए बी डी, ए बी डी ई सही है, फिर ए बी सी ई, ये भी सही है, फिर ए बी सी डी, ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं, देखो यहां से सोर्स का डिस्टेंस 1 है, जहां गए हैं वहां से 2 है डिस्टेंस। ठीक है, तो एक तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं हुआ, तो यहां से भी ऐसा जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक जाने में, लेकिन अगर डी से सी पर आओगे तो डी का डिस्टेंस सोर्स से कितना, 2, सी का डिस्टेंस कितना, 1, मतलब टुवार्ड्स सोर्स मूव कर गए हो तुम, टुवार्ड्स सोर्स मूव कर गए हो, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, चलो, जहां पर दिक्कत रहा है थोड़ा सा रिप्ले करके समझ लो, समझ में आएगा, एकदम आसान तरीके, एकदम इससे बहुत स्लो हम बता रहे हैं, इससे स्लो हम क्या ही बताएंगे। ठीक है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आएगा, रिप्ले कर लो थोड़ा सा, चलो, मतलब कि ए नहीं हो सकता है, ए सही नहीं है, कांट गो टुवार्ड्स सोर्स डेट इज डिस्टेंस ऑफ सोर्स कैन नॉट डिक्रीज आफ्टर हॉप। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दिए हम, क्या
cannot go towards source. Source जाने का मतलब क्या है भाई? That is distance of source cannot decrease after hop. एक hop लेने के बाद में distance कम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि distance कम हो जाए, ठीक है? यही यहाँ रहा, A B D C में ही हो रहा, A B D C आ गया, कम हो गया, यहाँ से टू था distance, अब यहाँ से ओवन हो तो source जा रहे हो क्या? बदमाशी नहीं करना है, ठीक है? और कोई पॉसिबल है क्या? ए बी डी हो गया, ए बी, हाँ ए बी ई भी है, एक डायरेक्ट देखो है क्या, एक सेकंड, येलो से नहीं लिखते हैं, ए का यूज करते हैं, क्या है? ए बी ई भी है एक, ठीक है? अब चलो ए सी ई, ए सी बी ई, ए सी डी ई, ए सी और क्या है, ए सी बी डी ई, ए सी बी डी ई, हाँ ए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और चीज माइंड में आ रहा होगा क्या, कि ए सी आए फिर यहां से बी पर गए, सी से सोर्स का डिस्टेंस कितना ओ वन, बी से भी ओ वन, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों? हम क्या बोले, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या, यहाँ भी ओ वन है, यहाँ भी ओ वन है, सेम हो सकता है, हॉप लेने के बाद में, एक हॉप लेने के बाद में अगर सोर्स का डिस्टेंस सेम रह गया तब चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, कम होने का मतलब क्या, तुम टुवर्ड्स सोर्स मूव कर रहे हो, समझ रहे हो बात को, कम नहीं होना चाहिए। ए सी बी डी ई, ए सी बी डी ई, एक और देखो क्या, ए सी डी बी ई, ये सही है क्या? देखो तो एक बार, ए सी डी बी, ए सी डी बी ई, ये सही नहीं है, ठीक है? समझ लो क्यों नहीं सही है, इसके रीजन अभी बताए हैं। चलो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, रीजन सेम ही है, रीजन सेम है, ठीक है? ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो इसका नेक्स्ट में क्या है, डायनेमिक एल्गोरिथम कैसा होता है, ठीक है? स्ट्रक्चर एक बार देखो क्या, डायनेमिक, ये स्टैटिक वाला देख लिया फ्लडिंग का, ठीक है? डायनेमिक कैसा होता है, डायनेमिक में होगा क्या मेनली, कि डायनेमिक कहने का मतलब देखो सिंपल जानो क्या है, अगर ए से बी जाने का पाथ है, 4 आवर्स अभी टाइम लग रहा है, ठीक है? ए से बी जाने में अभी 4 आवर्स का टाइम लग रहा है, हो सकता है कुछ दिन बाद एक नया पाथ बना दिया गया है, एक नया पाथ इस तरीके से फ्लाईओवर बनाकर बना दिया, रास्ता बना दिया, ठीक है? क्या देखिए हम, कि ए से सी आने में 1 आवर लगता है, सी से बी जाने में 2 आवर लगता है, टोटल कितना, टोटल 3 आवर्स में जर्नी कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है? तो बताओ ए से बी अब ऐसे जाएंगे या फिर ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? हम कैसे भी चल जाए, लेकिन राउटर वही काम करेगा जो कम टाइम में हो, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा के बैठा हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अच्छा ये आदत बना हुआ है ए से बी जाने का, छोड़ो यार कम टाइम लगता है लेकिन ये आदत है, जाना पहचाना रूट है, हमेशा जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं सोचेगा राउटर, राउटर को टाइम कम में टाइम को सेव करना है बस, आदमी नहीं है कि अच्छा इस रास्ते जाएंगे तो वो दुकान वाला में ऐसा मिठाई खा लिए, फिर ऐसा घूमते चले गए, कोई दोस्त मिलेगा रास्ता में, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टाइम भी लग रहा है तो उसी रास्ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? राउटर को टाइम सेव करना है, मिनिमम टाइम जहां लगेगा वहां फॉलो कर लेगा, ठीक है? तो अब क्या करेगा, अब इस तरीके से ऐसा जाएगा, मतलब क्या है, डायनेमिक है, चेंज कर लिया अपने आप को, एडप्ट कर लिया, ठीक है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या था, कोई और रास्ता नहीं था, ऑप्शन नहीं था, यहाँ ऑप्शन मिला, कम टाइम का ऑप्शन मिला, अच्छा ऑप्शन मिला, चेंज कर लिया, एडप्ट कर लिया, ठीक है? यही चीज है, पाथ ऑफ पैकेट विल चेंज इवन द डेस्टिनेशन एड्रेस इज सेम, मतलब क्या है, डेस्टिनेशन देखो यहां पर भी, डेस्टिनेशन यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, लेकिन रास्ता पहले ए था, अब ए हो गया है, डेस्टिनेशन एड्रेस अगर सेम रहे तब भी पाथ चेंज हो सकता है, ठीक है? व्हेन न्यू लिंक्स आर एडेड और एग्जिस्टिंग लिंक्स आर ब्रोकन, या तो नया लिंक है जो एड हो जाए तब ये काम हो सकता है पाथ चेंज, या फिर जो एग्जिस्टिंग लिंक है वो खराब हो जाए, ठीक है, ब्रोकन हो जाए, जो पहले से एग्जिस्टिंग लिंक है जहां से कम्युनिकेशन हो रहा था तब भी डाइवर्ट हो सकता है पाथ, ठीक है? इसके बाद में देखो अगला क्या है, नेक्स्ट क्या हम लोग का टॉपिक है, डायनेमिक एल्गोरिथम में स्टार्ट कहां से करेंगे, अगला क्लास में करेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ठीक है? इसमें क्या करेगा,
किस तरीके से अपना टेबल को अपडेट सब कर रहा है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या है, डायनेमिक अप्रोच है, डायनेमिक एल्गोरिथम है जो राउटर फॉलो करेगा। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखो कि नेटवर्क लेयर खत्म हो जाएगा, इसे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, 3 घंटा का हो सकता है, 3 से 3.5 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार में ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि देखो एक रिद्म में पढ़ने में अच्छा रहता है। अब डायनेमिक का एक चीज आज बताएं, एक चीज कल बताएंगे, उतना अच्छा से कोरिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक रिद्म में पढ़ो। ठीक है, इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि आप एक टॉपिक को लिए एक टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, बीच में रुकते नहीं है। तो नेक्स्ट यही टॉपिक हम लोग का है डायनेमिक एल्गोरिथम का, तीनों हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। किस बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, सारे कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज जो भी बताएं रिवाइज कर लो, और पिछला क्लास जो नेटवर्क जहां से स्टार्ट किए थे वो भी रिवाइज कर लो। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास जब नेटवर्क कंप्लीट हो जाए तो लगे अच्छा नेटवर्क लेयर का टोटल नॉलेज हो चुका है। ठीक है, तो पढ़ो अच्छे से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।